राजगंज नाम के शहर में दिया अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही दिया नानी दादी से जादुई कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, इसीलिए उसे जादू पर पूरा भरोसा था। वो स्कूल में भी सभी बच्चों को जादुई कहानियां सुनाया करती थी। फिर क्या हुआ दिया, उस लड़की को जादुई गुफा मिली या नहीं? जादू जैसा कुछ होता ही नहीं, तो कैसे उसे जादुई गुफा मिल सकती है? आज के जमाने में भी तुम लोग इन चीजों को मानते हो? साइंस ही सब कुछ होता है, हर चीज के पीछे साइंस होता है, जादू नहीं। तुम तो रहने ही दो प्रेम, तुमने आज तक जादू के बारे में जाना भी है क्या जो तुम्हें पता होगा? उसके बाद वो लड़की खोज में निकल जाती है और उसे परियों की दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। रास्ता इतना सुंदर, हर तरह जादुई नदियाँ, बोलने वाले जानवर। अरे दिया, तुमने कहानी सुनाना शुरू भी कर दिया, मेरे लिए रुक तो जाती। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सभी बच्चों से उनका होमवर्क सुनाने को कहती है, पर दिया का ध्यान तो चैप्टर में बने चिड़िया के घोंसले के ऊपर था। पर बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि खिड़की से चमकीली तरंग उसके पास आ रही है। उसे खिड़की की ओर देखता देख टीचर उसे चौक फेंक कर मारती हुई कहती है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा दिया? हाँ, पढ़ भी रही हो तुम कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। दिया मैम को आंसर सुना देती है और फिर से अपने सपने में डूब जाती है। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह क्लास में खोई खोई रहो। अगली बार से तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका तो प्रिंसिपल साहब के पास भेज दूंगी तुम्हें। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं है टीचर, मैं तो सोच रही थी कि चिड़िया अपना जब खाना बनाती होगी तो उनके घोंसले में लाइट कौन लगाता होगा। इसका आंसर तो मुझे पता है, चिड़िया जुगनू को पकड़ कर लाती है और अपने घोंसले में लाइट लगा देती है। चिड़िया कैसे खाना बनाती है दिया, उसके हाथ हैं भी क्या? अब बड़ी भी हो जाओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिया तुम भी ना, और स्नेहा तुम तो उसकी भी माँ निकली। वैसे तुम सब के लिए गुड न्यूज है, आने वाले संडे को हम स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, तो कल सभी अपने अपने घर से परमिशन और पिकनिक के पैसे लेकर आना। टीचर क्लास लेकर चली जाती है और इसी तरह आज का क्लास भी कंप्लीट हो जाता है। स्कूल ओवर होते ही सभी बच्चे साथ में अपने अपने घरों को जाने के लिए निकलते हैं। जादुई दुनिया में उस लड़की को और क्या मिला दिया, तुम बताओ ना मुझे। पता नहीं आज कहाँ खोई खोई हो तुम। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जादू की दुनिया में जाने का मेरा समय आ ही गया है। मुझे कोई बुला रहा है। और प्रेम, तुम क्या साइंस साइंस करते रहते हो? क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि मान लो बादल पर भी कोई रहता हो? तुमने तो वहाँ जाकर देखा नहीं है। हो सकता है चांद पर भी कोई रह रहा हो जो इंसानों को देख के छुप जाता होगा। कितना मजा आता होगा उन्हें। सोच कर तो अच्छा लग रहा है, पर प्रेम जिस चीज को देख नहीं सकता उस पर विश्वास भी नहीं करता। और इसी तरह सैटरडे भी आ जाता है। रात को जब दिया गहरी नींद में होती है, खिड़की से एक तरंग आती है। उसे एक जादुई सपना दिखाई देता है। सपने में वो पिकनिक स्पॉट पर होती है और वहीं से उसे आसमान में जाने की सीढ़ियां मिल जाती हैं। इस सपने को देखते ही उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, संडे की सुबह हो चुकी होती है। मुझे पता था जादुई दुनिया होती है और आज मुझे वो जादुई दुनिया मिल ही जाएगी। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल बस से पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। पिकनिक स्पॉट बहुत ही सुंदर जगह पर था, जहां चारों ओर पहाड़ थे। तो बच्चों, मिलो अपनी नई टीचर जॉन से। ये हमारे स्कूल की नई टीचर हैं।
जो अब से सभी बच्चों को मैजिक ट्रिक सिखाएंगे। सर जॉन सभी बच्चों को एक जंगल की ओर ले जाते हैं और एक मंत्र बोलकर सभी को इस मंत्र को दोहराने को कहते हैं। मंत्र तो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होता है, ताकि ऑडियंस का दिमाग मजीशियन की ट्रिक पर ना लगे और मजीशियन कुछ ना कुछ घपला करके जादू दिखा देता है। सर मुझे सब पता है। हाँ सर, हम प्लीज खेलने जाएं। लगभग सभी बच्चे उस क्लास को छोड़कर खेलने के लिए चले जाते हैं, सिवाय तीन बच्चों के, दिया, स्नेहा और रकुल। जहाँ सभी बच्चे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, दिया लगातार उस मंत्र को बोली ही जा रही होती है। और तभी सर जॉन अपनी छड़ी निकालते हैं और उस जगह पर गोल घुमाते हैं। अचानक ही चारों चमकीली तरंग दिखने लगती हैं, जो उन चारों को घेर लेती है। हाँ, कुछ दिनों से यही तरंगे तो मुझे भी दिख रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, मैजिक होता है। पता है सर, यहाँ कोई मेरी बात मानता ही नहीं था। इसीलिए तो मैं आया हूँ, जादू के लिए तुम्हारा प्यार देखकर। अब मेरे पीछे दोहराओ, आंसर डाइम माटोला, आंसर डाइम माटोला। और जैसे ही दिया इस मंत्र को सही से बोलती है, अपने आप जंगल के पेड़ पीछे जाने लग जाते हैं और एक तरफ से एक नया रास्ता खुल जाता है। जहाँ तितली उड़ रही थी, खूबसूरत से झरने बह रहे थे और झरनों में से इंद्रधनुष के रंग का पानी बह रहा था, जिसे देखकर तीनों बच्चे चौंक जाते हैं और भागते हुए उस रास्ते पर चले जाते हैं। ये तो कोई जादुई जगह का रास्ता लगता है सर, किसी जादू नगरी में तो नहीं आ गए। तभी एक तितली रकुल के हाथ पर आकर बैठती है और उसे कहती है, ये तो जादुई रास्ते का प्रवेश द्वार मात्र है, अभी तो नगरी में तुम आए भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तो दिया आओ, तुम्हारा सपना अब पूरा करें। सर जॉन अपनी छड़ी घुमाते हैं और बादलों से सीधा सीढ़ियां जमीन पर दिया के पैरों तक आ जाती हैं। बादलों की जादुई सीढ़ियां। जाओ जाओ बच्चों, ऊपर जाओ और मजे करो, और अगर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें मेरा मंत्र पता है ना दिया, आंसर डाइम माटोला। बच्चे सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियां अपने आप एक्सेलरेटर की तरह चल उन्हें आसमान में बने एक जॉइंट दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। ये दरवाजा तो बंद है, अभी खुल जाएगा, आंसर डाइम माटोला। जैसे ही दिया इस मंत्र को बोलती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। हम बादल पर चल रहे हैं। ऊपर तो देखो, चांद और तारे तो इतने पास हैं, मानो हम एक हाथ से छू दें उसे। बच्चे आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी दो परियां उन्हें लेने आती हैं। जादुई दुनिया के आप खास मेहमान हैं, आइए इस तरफ आइए। पर इनके कपड़े देखकर ये नहीं लगता कि ये जादुई दुनिया में हैं। अभी जादू करती हूँ। शीशा अपनी छड़ी घुमाती है और तीनों बच्चों के कपड़े चमकीले जादुई कपड़ों में बदल जाते हैं। वाओ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो स्नेहा। तुम दोनों भी। तीनों बच्चे अंदर डाइनिंग एरिया में जाते हैं, जहां सब कुछ इतना जादुई था कि उनके चेयर के पास जाते ही चेयर अपने आप पीछे आ जाती है। तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, चाय की केतली में अपने आप ही चाय गर्म होने लग जाती है और तीनों के सामने केतली खुद चाय डालकर उनके सामने रख देती है। चाकिए मत, ये तो मेरा काम है। वैसे
आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपकी जो भी इच्छा होगी वो इस जादुई प्लेट में अपने आप आ जाएगी। तीनों बच्चे अपनी अपनी पसंद का ढेर सारा खाना मंगा कर खाते हैं। जादुई दुनिया का पूरा मजा ले रहे होते हैं कि तभी दिया को एक आवाज सुनाई देती है। 5 बज गए बच्चों, चलो बस में बैठने के लिए लाइन में लग जाओ, घर लौटने का समय हो गया है। दिया आवाज सुनकर बादलों से नीचे झांकती है तो नीचे उसे ग्राउंड से सभी बच्चे वापस बस की ओर जाते हुए दिखते हैं। स्नेहा और रकुल, चलो 5 बज गए, हमें चलना चाहिए। बड़े दिनों बाद कोई इंसान यहाँ आया था, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हमारी जादुई दुनिया से हम तुम्हें 3 जादुई बैंड देते हैं। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी ये बैंड अपने आप चमकने लगेगा और हम तुम्हें धरती पर देख पाएंगे और तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। आंसर टाइम माटुला। तीनों बच्चे वहां से गायब होकर बस में बैठने की लाइन में अपने आप प्रेम के आगे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग तो यहाँ नहीं थे, अचानक कैसे आए? वही घिसी पिटी ट्रिक। रकुल जॉन सर को देखकर आंख मारता है और सभी वापस घर लौट जाते हैं।